चिकित्सा जगत में अस्थि रोग का हब बन चुकी औद्योगिक नगरी ने अब अत्याधुनिक तकनीक से रीढ़ के एम्फिसाइटिक जैसे गंभीर रोगों उपचार की ओर कदम बढ़ाए हैं, जिससे अब इनके मरीजों को बड़े शहरों की ओर नहीं देखना पड़ रहा है और उच्च स्तरीय इलाज अब भीलवाड़ा में विजय सिंह पथिक नगर महिला आश्रम कॉलेज के सामने स्थित मालू हॉस्पिटल में होने लगा है। मालू हॉस्पिटल के निर्देशक एवं ऑर्थोपेडिक एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर बीएम मालू अपनी टीम के साथ रोगियों को बेहतरीन सेवाओं के साथ ही सस्ता व सुलभ इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं। यहां इलाज करवाने आए बल्ला निवासी मरीज हीरालाल जाट ने बताया कि 21 नवंबर को घर की छत से अचानक नीचे गिरने की वजह से उसकी कमर में गंभीर चोट लगने के कारण कमर दर्द व बाएं पैर में दर्द हो रहा था, जिसे उपचार के लिए मालू हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जांच में रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, जिसका डॉक्टर मालू ने सफल उपचार कर दिया। वहीं अब वो चलने फिरने लगे हैं। वहीं परिजनों ने बताया कि हम मालू हॉस्पिटल में हुए इलाज से संतुष्ट हैं और हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई। वहीं डॉक्टर बीएम मालू ने बताया कि मालू हॉस्पिटल में साइटिका, कमर दर्द एवं स्लिप डिस्क का उपचार रीढ़ की हड्डी के समस्त ऑपरेशन के साथ ही कृत्रिम जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा जोड़ का उपचार, इंटरलॉकिंग, नेल प्रिंटिंग सहित अन्य हड्डी व जोड़ से संबंधित रोगों का उपचार मालू हॉस्पिटल में उपलब्ध है। मैं निवासी बड़ला इरालाल जाट देवक जाट छत पे गया, नीचे गिर गया मैं। उसके बाद मेरे को यहाँ लेके आए थे। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए बोला, ऑपरेशन करवाया। उसके बाद में ठीक है मेरे पैर के, पैर में वो रेडी एडी की फ्रैक्चर हो गया था, कुछ हो गया था। कितने दिन पड़ते रहे आपने? मेरे को आज 8 दिन हो गए। 8 दिन में कंप्लीट हो गया? वो कंप्लीट हो गया। ठीक, क्या काम करते हैं आप? मैं होटल व्यवसाय का काम है। मैं लालचंद जाट निवासी रुपायली, ये वहाँ यही जी है बड़ला का। ये छत का ऊपर गया जो है कि नीचे गिर गया, एकदम तंग आबू नीचे गिर गया, तो रेडी एडी में चोट लगी जी। मैं पाओ मैं मतलब सुन हो गयो, पाओ काम करवा बंद कर दियो। बच्चा तो मालू हॉस्पिटल में ले रहा है, MRI करवाई और मालू साहब के ऑपरेशन करना पड़ी, तो ऑपरेशन की दो और अब यहाँ पाओ बराबर काम करवा लागियो। 2 महीना को बेड रेस्ट है और अब बार कंप्लीट है। हाँ संतुष्ट है। ठीक सर। ये पेशेंट हीरालाल हमारे पास आया था आज के 4-5 दिन पहले। ऐसे छत से गिरने से इसके जो दोनों पाँव वो काम करना बंद कर दिया था, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद। जनरली रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद जो रीढ़ की हड्डी के मणके जो नस को दबा देते हैं ना, उसकी वजह से दोनों पाँव काम करना बंद कर देते हैं। समय पर अगर ऑपरेशन हो जाए पेशेंट का और अगर नस का दबाव समय पर निकाल दें अपन लोग, तो सुधार की जो संभावना है काफ़ी अच्छे से बढ़ जाती है। आज के कुछ समय पहले ऐसे ऑपरेशन सिर्फ अहमदाबाद, दिल्ली और जयपुर में होते थे पहले, और मरीजों को यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था। और अभी कुछ समय से ये सारे ऑपरेशन भीलवाड़ा में पॉसिबल है और भीलवाड़ा में अपन अच्छी तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं। ये वाला जो ऑपरेशन अभी किया हमने, इसके अंदर जो 5 दिन के अंदर रिकवरी हुई है वो काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है। पेशेंट का जो पाँव पहले काम नहीं कर रहा था, आज अच्छा खासा मूवमेंट उसके अंदर है, अच्छी खासी पावर है। पेशेंट अपने आप से पाँव को उठा लेता ऊपर। पहले पाँव में बिल्कुल जान नहीं थी, बिल्कुल बेजान पाँव था पहले, शून्य पावर थी पहले। तो हमारे लिए भी एक ये अच्छा एक विषय है चर्चा करने के लिए कि इस तरह के जो ऑपरेशन है वो भीलवाड़ा में पॉसिबल है। आम जनता को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि रीढ़ की हड्डी के समस्त ऑपरेशन भीलवाड़ा में पॉसिबल है। अब इन ऑपरेशन के लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती आजकल। मालू हॉस्पिटल भीलवाड़ा के अंदर इस तरह के सभी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो है हम लोग देखने को मिल रहे हैं इस तरह के।